नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और आप खबरों को देते हैं विस्तार। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी शिवपुरी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तभी वहां ग्राम उमरी खुर्द की महिला लीलावती अपने नवजात मृत पोते शिशु को गोदी में लेकर रो रही थी। जब मंत्री जी ने उनसे पूछा तो वह कहने लगी कि मेरे पोते की तबीयत खराब हुई पर यहाँ समय पर उसे इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उसकी जान चली गई। यह सुन मंत्री जी ने सीएमएच को फटकार लगाते हुए कहा कि कौन जवाबदेह है, इस घटना पर मुझे तत्काल कार्रवाई चाहिए। मंत्री जी के इस रुख को देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। फिर मंत्री जी जच्चा खाने पहुंचे तो वहां गर्भवती महिला को उचित व्यवस्था न मिलने की शिकायत मिली। वहीं गंदगी से भी लोग परेशान थे एवं एक्सरे मशीन भी खराब थी। इन सभी व्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री जी ने कहा कि अब यह सब नहीं चलने वाला, अगर मुझे अगले दौरे में कोई भी शिकायत मिली तो मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, याद रखना। इंक्यूबमेंट वेंटिलेटर जो बंद पड़े हुए दोनों, अभी सुनिश्चित करिए, अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात कराइए। और ये शटर तय हो गया, कलर डे बाय डे कलर चेंज होंगे, ये कहां है ये बताइए। सवाल गुजरात के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में सुवर्ण के अवृत दान का प्रवाह भक्तों द्वारा चल रहा है। यात्रा धाम अंबाजी मंदिर के शिखर को सुवर्णमय बनाने का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हाल ही में हुआ है और पिछले माह ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा बाकी के शिखरों का भी सुवर्णमय बनाने की बात कही थी। तभी आज मुंबई के एक भक्त द्वारा 21 लाख रुपए सोना चांदी के गहने और नकद रकम का दान मंदिर को भेंट किया। हालांकि इस दाता ने अपना नाम गुप्त रखकर यह दान किया है। गुजरात बनासकांठा से दीपक पुरवरिया की रिपोर्ट। कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय एवं महाकवि भवभूति सोत समिति के तत्वाधान में ग्वालियर में आयोजित भवभूति समारोह का शनिवार को समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर गालव सभागार परिसर में विविध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए एवं भवभूति शिक्षा सोत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम शर्मा और कालिदास संस्कृत अकादमी के निर्देशक प्रतिभा दवे समेत आयोजन से जुड़े लोगों और संस्कृत के ज्ञाताओं को महापौर विवेक सिजवलकर द्वारा सम्मान किया गया। ये प्रतिवर्ष अखिल भारतीय भवभूति समारोह यहाँ पर होता है। इसमें सारे देश से संस्कृत के विद्वान यहाँ पर पधारते हैं। 3 दिन तक गोष्ठियाँ, अभिनय, नाटक, भवभूति जी के जो साहित्य उन पर चर्चा, उन पर शोध, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इसमें विशेषकर युवा और महिलाएं बहनें बहुत भाग लेती हैं। संस्कृत हमारे यहाँ भारत में पुनर्जीवित हो, इस दृष्टि से इस तरह के कार्यक्रम के बहुत महत्व है। नगर निगम और जुवाई विश्वविद्यालय इसमें सहयोग करते हैं। आज भी यहाँ पर बुद्धन्य विद्वानों का सम्मान यहाँ पर हुआ है। आज एक मांग यहाँ पर और रखी गई है कि भवभूति की प्रतिमा ग्वालियर में स्थापित हो। मैं प्रयास करूँगा नगर निगम के स्तर पर उसको कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। मेरा मानना है कि भवभूति जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आदरांजलि यही होगी कि ग्वालियर जो डबरा में उनका स्थान है, पवाया वहाँ के, वो वहाँ के थे, वहाँ उन्होंने तपस्या की, वहाँ उन्होंने साधना की, तो ग्वालियर में कोई प्रतिमा उनकी स्थापित हो। युवा जो है वो संस्कृत से काफ़ी जुड़ा चले जा रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम एक अभिनव पहल के तौर पर जी। आज यही यहाँ पर नाटक अभिनीत हुए, उसमें खासकर स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया है। मेरा मानना है कि अच्छा संकेत है, संस्कृत के प्रति लगाव अगर बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि सांस्कृतिक प्रति भी आस्था बढ़ेगी। हाँ, विचार करेंगे। अगर जैसे 733 फुट कह रहे हैं वो आज है, तो अगर वो 1 मार्च 2020 को भी 735 फुट कर देंगे तो रोज पानी दिया जा सकता है। सर, दिक्कत ये भी है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीकेज है, काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है, उस चीज़ को लेकर क्या तैयारी खास की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय गर्मी का मौसम आने वाला है। उसे उसको इरीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा करवाना होता है, हम उसको करवाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पानी ज़ाया नहीं हो, वेस्टेज नहीं। सर, रोज पानी देने के लिए क्या है, जरा विचार करेंगे ना। मैं कह रहा हूँ विचार करेंगे, हमारे सामने है प्रस्ताव रोज पानी देने का और हम भी चाहते हैं रोज पानी मिले। पर ये भी सोचना होगा कि अगर दुर्भाग्य से फिर एक बार वर्षा का संकट होगा तो फिर अगले वर्ष क्या होगा। देखिए, इस वर्ष पानी कोई चिंता नहीं है, बात बिल्कुल सही है,
और अब तक जो दो दिन में एक बार पानी दिया करते थे वो इस वर्ष की नहीं अगले वर्ष की चिंता करके दिया करते थे, अब अगले वर्ष की चिंता आज करनी कि नहीं करनी हम सोचेंगे। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी मूवमेंट के खिलाफ SUCI द्वारा शनिवार को ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाई गई। SUCI का आरोप है कि पूरी दुनिया में अमेरिका लोकतंत्र पर कुठाराघात करने में लगा है और वेनेजुएला में मादुरो सरकार की गिराने की साजिश रची जा रही है जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। आज असल में पूरी दुनिया भर में आज जो लोकतंत्र पसंद करने वाले लोग हैं वो अमेरिका के खिलाफ झंडा उठाकर खड़े हुए हैं। अमेरिका जिस प्रकार एक स्वतंत्र देश वेनेजुएला के मामलों में हस्तक्षेप कर लगातार कोशिश कर रहा है वहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई मादुरो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, और केवल गिराने की नहीं, अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम जो है वहाँ का जो विरोधी तबका है उसको हथियार देंगे। हम ये देख चुके हैं अमेरिका एक के बाद एक दुनिया के कितने देशों को तबाह कर चुका है, सीरिया हो चाहे इराक हो चाहे लेबनान हो तमाम, और लीबिया हो, इन देशों की वहाँ की जो सरकारें थीं उनको अमेरिकी हस्तक्षेप से हटाया गया, अमेरिका ने अपनी सेना भेजी, और आज हम देखते हैं लीबिया में यहाँ तक कि मानव तस्करी हो रही है वहाँ की गद्दाफी सरकार को हटाने के बाद, वहाँ जितने अश्वेत लोग हैं उनको बंद करके उनको काट करके जो IS के आतंकवादी हैं वो उनके अंगों की तक तस्करी कर रहे हैं, और अमेरिका हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है। हम पूरे देश भर में भी सभी जगहों पर विरोध हो रहा है, हम ये विरोध जता रहे हैं कि अमेरिका को कोई हक नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक चुने हुए देश में हस्तक्षेप का, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो वेनेजुएला हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर फिर से। कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ बैठक कर स्मार्ट सिटी के तहत जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी ली और इन कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान महापौर विवेक सेजवलकर सहित तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के सभी कार्य तेजी से चल रहे हैं और जल्द ही इस योजना को अमली जामा पहना दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी एडवाइजर बोर्ड की बैठक आज थी और समय समय पर ये बैठक हम लोग करते रहते हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस भी देखते रहते हैं, कुछ नए सुझाव भी आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी के जो परियोजनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से आकार ले रही हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुआयामी है और बहुत ही विस्तार को लिए हुए है, इसलिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन आने वाले कल में जब ग्वालियर स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो ग्वालियर की एकदम तस्वीर बदल जाएगी, और यह प्रोजेक्ट हमारे लिए और नगर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी जिन जिन प्रोजेक्टों की समीक्षा हुई उनमें सभी प्रोजेक्ट ठीक प्रकार से चल रहे हैं, कंट्रोल कमांड का भी काम लगभग अंतिम स्थिति में है, और सड़कें भी स्मार्ट बने इस दृष्टि से भी बातचीत हुई है, उद्यानों की दृष्टि से भी बातचीत हुई है। पुरानी ग्वालियर थाना इलाके के रमटापुरा की पुलिया से गिरकर एक अधेड़ महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को नाले से बाहर निकालकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। बताया गया कि ठाकुर मोहल्ला में रहने वाली फूलवती पति नारायण पाथम शराब पीने की आदी थी।
शनिवार की सुबह वह रमटापुरा की पुलिया पर बैठी थी। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पुलिया से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने महिला की पहचान पुख्ता करते हुए उसके शव को पीएम हाउस पहुंचा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शाम को कल मैं बैठा था घर पे, हम और बड़ी लड़की बात कर रहे थे, जो मंदिर के यहाँ बैठी थी बाहर, बस बाहर से चुपचाप पता ही नहीं पड़ा कब निकल गई। पीती खाती थी, दारू पीती थी, इसको बहुत रोका, बहुत रोकते थे मगर वो मानती नहीं थी, झूठ बोल देती थी, हाँ नहीं 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 नहीं, और फिर पता ही नहीं पड़ा कब निकल गई चुपचाप, मौका लगा तो ही निकल गई। हाँ, कल शाम को 7 बजे, रात को 1:30 बजे तक बच्चों ने ढुलाई करी, सब रिश्तेदारों को फ़ोन ढूंढना मूढ़ना पास पड़ोस में सब जगह, फिर हमने समझे बाहर मार तो नहीं चलेगी, कैसे हो सकता आज निकल गई तो आज पक्का पिएगी। पुलिस वुलिस भी जानती थी उसको थाने वाने में भी, क्योंकि बहुत बार पुलिस वाले भी छोड़ के गए जे 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 हमारे सामने, हम तो किराए से रहता हूँ, जो मकान वाली हैं ये भी सामने, इनसे भी क्या नाम है कई बार। इनका नाम फूलवती बातम है और ये यहीं की रहने वाली हैं ठाकुर मोहल्ला की। तो अभी प्रथम दृष्टया तो ही पाया गया है कि इसके बच्चे से पूछा है तो वो बोल रहा था कि दारू वगैरह पीती थी, नशा करती थी। अभी पीएम करवाने के लिए भेज रहे हैं, पता लगेगा कि क्या कारण है। इनकी उम्र 45 के लगभग है। अब हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।